हेलो गाइस, वेलकम टू ची वाई एस। माय नेम इज़ आयुष मिठी। इस स्टूडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की। अभी जो पीएलआई स्कीम है, इसके बारे में आपने सुन लिया होगा, कई दिनों से ये न्यूज़ भी है, बेसिकली कई महीनों से न्यूज़ में। पहले भी ये स्कीम कई सेक्टर्स के लिए आ चुकी है, और हाल ही में ये 11 नवम्बर की बात है, कैबिनेट ने पीएलआई स्कीम को 11 सेक्टर्स के लिए भी एक्सटेंड कर दिया है। अब ये सेक्टर्स कौन से हैं, इनमें ही क्यों किया, इनमें क्या कैपेबिलिटी है, क्या वजह थी, ये भी पढ़ेंगे, साथ में स्कीम की थोड़ी सी डिटेल्स भी जानेंगे। देखो, ये कुछ सेक्टर्स हैं, और सेक्टर्स को जानने से पहले अपन देखेंगे कि इनमें ही क्यों पैसा लगाया जाएगा, और इस स्कीम की क्या खासियत है। देखो, ऐसा है कि ये जो पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, नाम से पता चल रहा है प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, यानी इसको प्रोडक्शन के साथ लिंक किया जाएगा। मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिव दिया जाएगा, जैसे जैसे प्रोडक्शन वो बढ़ाएंगे, एक बेस ईयर सेट किया जाएगा, और उस बेस ईयर के हिसाब से मैन्युफैक्चरर्स अगर उस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर इंक्रीमेंट करते हैं सेल्स में, तो उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, जितनी इनकी एडिशनल सेल्स पे दिया जाएगा। ध्यान रखना, जैसे 1 लाख है, तो 1 लाख से 1,20,000 सेल हुई, तो जो 20,000 है उस पे दिया जाएगा। अभी तो अप टू 6% कैश इंसेंटिव बताया जा रहा है, तो कैश इंसेंटिव आपको याद रखना है जो दिया जाएगा। और ये पीएलआई स्कीम जितने सेक्टर्स के लिए, अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, तो डेफिनेटली इसको इम्प्लीमेंट भी मिनिस्ट्रीज ही करेंगे, डिपार्टमेंट्स ही करेंगे, और पूरा एक फाइनेंशियल लिमिट इसका है, उसके अकॉर्डिंग ये होगा, और पूरा एक क्राइटेरिया होगा इसका। और अगर लगता है कि किसी सेक्टर में कुछ पैसा बच रहा है पीएलआई स्कीम से, ये फंड अनयूटिलाइज्ड है, तो उस फंड को भी कहीं और इस्तेमाल किया जा सकता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बेसिकली ये जो 10 स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं, उनमें अगर हम बात करें, तो पहला है एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी। अब ये जो बैटरीज होती हैं, ये बेसिकली हमारे वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि आप देखोगे कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का मार्केट बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब तो अब आगे जाके काफ़ी एक्सपेंड करने की इनको ज़रूरत होगी, तो एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनेगा। और अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर है, ये पहला हमने बात कर ली, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ऐसा है कि डिजिटल इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, 2025 तक इंडिया के पास $1 trillion की डिजिटल इकोनॉमी हो जाएगी। कितनी? $1 trillion की डिजिटल इकोनॉमी 2025 तक। अब डाटा लोकलाइजेशन पर भी हम बात कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर भी हम बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी, तो इसीलिए ये पीएलआई स्कीम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए भी आई है। तीसरी बात करें अगर ऑटोमोबाइल्स की, ऑटो कॉम्पोनेंट्स की, तो देखो ऐसा है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री तो हमारे लिए यहाँ पे मेजर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर है इंडिया में, तो इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव बनाएगी ये स्कीम, और साथ में ग्लोबलाइजेशन की ओर भी लेके जाएगी, अच्छा खासा मुनाफा कमा के देगी, और आप समझ सकते हो कॉम्पिटिटिव बन जाएंगी इंडस्ट्री। अच्छा, फार्मेटिकल ड्रग्स की मैं बात करूँ, तो इससे ज़्यादा अभी इंपॉर्टेंट तो क्या ही होगी, मतलब इंडियन फार्मेटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड में वॉल्यूम के हिसाब से तो 3rd largest है, और वैल्यू के हिसाब से 14th largest है, लिख लीजिए, वॉल्यूम के हिसाब से 3rd largest और वैल्यू के हिसाब से 14th largest। देखो ऐसा है कि हमारा जो इकोनॉमी, हमारी जो इंडस्ट्री है भारत की, वो दुनिया का 3.5% कंट्रीब्यूट करती है, एक्सपोर्ट जो भी होते हैं ना, वो ड्रग्स और मेडिसिन, उनमें 3.5% हमारा है, और हमारे पास पूरा इकोसिस्टम है इनके लिए, मतलब ड्रग्स वगैरह के डेवलपमेंट के लिए अच्छा खासा इकोसिस्टम है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग में अच्छे से कर सकते हैं, तो इससे क्या होता है, इनको और बूस्ट मिलेगा और हाई वैल्यू प्रोडक्शन मिलेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि हम उन सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आगे जाके बढ़ेंगे। और आप ये देख सकते हैं बगल में ये पैसा है, अच्छा ये ध्यान रखना कि 5 ईयर्स के लिए पैसा लगाया जाएगा, और ये करोड़ में है ये पैसा, तो इतना याद रखना। अगला है टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स। देखो, टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रेटेजिक एलिमेंट भी इसके अंदर है, क्योंकि इंडिया एक मेजर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर बनना चाहता है टेलीकॉम प्रोडक्ट्स का, तो इससे इस स्कीम से जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आएगा, और डोमेस्टिक कंपनीज को हेल्प भी मिलेगी, और ताकि वो एक्सपोर्ट मार्केट में जाके अपना दबदबा कायम कर सके। अगला है टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। तो देखो, टेक्सटाइल, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट है वर्ल्ड में,
अगर एक्सपोर्ट की मैं बात करूँ टेक्सटाइल्स और अपैरल में तो हमारा 5% शेयर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैन मेड फाइबर सेगमेंट हमारा भी थोड़ा सा लो चल रहा है, ठीक है, ग्लोबल कंजप्शन पैटर्न के साथ थोड़ा लो चल रहा है। तो इसी में हमको पैसा लगाना है, क्योंकि देखो ये ऐसा है, टेक्सटाइल वाला सेक्टर लेबर इंटेंसिव है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मदद होने की संभावना है। अगला है हमारा फूड प्रोडक्ट्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की इसमें बात कर रहे हैं, ये मिनिस्ट्री भी साथ में याद रखते जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये इतना 10,900 करोड़ रुपए इसमें लगाया जाएगा। देखिए इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत अच्छे होने जाने, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स को अगर लगेगा कि हमको कैश इंसेंटिव मिल रहा है तो क्यों नहीं करेंगे। और मैं फूड इंडस्ट्री की बात करूं तो फार्मर्स को बेनिफिट होगा इससे, वेस्टेज कम होगी और ग्रोथ पोटेंशियल इसमें पहले से ही है, और एमएसएमईज को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और एम्प्लॉयमेंट तो खैर मिलेगी। और अगला अगर बात करें हम हाई इफिशेंसी सोलर पावर मॉड्यूल्स की, अगर बात करें सोलर पीवी मॉड्यूल्स की, देखो इसमें ना थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस बात का है कि एक तो जो सोलर पीवी पैनल्स हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं मतलब चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो एक तो आत्मनिर्भर भारत अभियान है तो इंपोर्ट वैसे बंद करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ सिक्योरिटी चैलेंज, ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं हैकेबल होते हैं, हैक किया जा सकता है आराम से, सप्लाई चेन में रिस्क होता है, तो एक तो ये इंपोर्ट बंद कराना पड़ेगा तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो BLI स्कीम इसके लिए है ताकि सोलर पीवी मॉड्यूल्स हम खुद बना सकें यहाँ पे अच्छे से, इसका प्रोडक्शन कर सके, और हमारे जो प्लेयर्स हैं वो एक ग्लोबल, हमारे प्लेयर्स ग्लोबल प्लेयर्स बन जाएं और हम ग्लोबल वैल्यू चेन्स को कैप्चर कर लें, ठीक है। अगला है वाइट गुड्स, यानी AC LED वगैरह नहीं होते हैं, तो देखो इनकी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक वैल्यूएशन के मामले में, और ये प्रोडक्ट्स को अगर हम कॉम्पिटिटिव बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, जॉब्स बढ़ेगी और एक्सपोर्ट बढ़ेगी। अगला और लास्ट है जो भी ऐड किया गया है वो स्टील, देखो स्टील, अब मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ना मीन्स में आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, स्टील तो एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री इंडिया की वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट है, पता है आपको, एक्सपोर्ट भी हम अच्छा खासा कर लेते हैं, फिनिश्ड स्टील कर लेते हैं अच्छा खासा, और हाँ एक पोटेंशियल है कि ये इंडस्ट्री भी हमको चैंपियन बना सकती है दुनिया में, तो कहीं ना कहीं हम इसमें मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करेंगे और वैल्यू एडिशन करेंगे तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आपको आनी चाहिए। ये पहले कुछ सेगमेंट्स हैं जिनमें ऑलरेडी सरकार ने पैसा दिया जा चुका है, पहले फाइनेंशियल आउटलेस कर चुके हैं, तो ये भी कुछ सेक्टर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए इस तरह की स्कीम्स ज़रूरी है ताकि इंडस्ट्रियल गुड्स का एक्सपोर्ट हो, प्रोडक्शन अच्छा खासा हो, ताकि हम फॉरेन कंपटीशन से लड़ें, फॉरेन कंपटीशन से फेस टू फेस करें, छुपके भागे नहीं, इससे मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बढ़ेगा, ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेट होंगे, बैकवर्ड लिंकेज बढ़ेंगे, MSME सेक्टर डेवलप होगा, ओवरऑल ग्रोथ होगी इकोनॉमी में और ह्यूज इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी। अब चैलेंज कहाँ आता है, देखो किसी भी सेक्टर में या किसी भी स्कीम की अगर हम बात करें तो होती वो अच्छी है, नीयत अच्छी होती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका हम देखते हैं हमारी हिस्ट्री का, स्कीम्स वगैरह की सबको पता है। और ये एक प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, PLI की, हर जगह में ये चीज़ लागू होती है, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होना चाहिए। अच्छा ये पहली बार ऐसी स्कीम नहीं आई है, मतलब इस तरह की स्कीम्स आती रहती हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ, हाँ इसमें नया है, यूनिक है, लेकिन जैसे आप देख लो शुगर इंडस्ट्री की बात कर लो, ठीक है, या आप देख लो कि जो हम शुगर मिल्स को पैसा भेजते हैं वो कितना ड्यू रहता है, बहुत पैसा ड्यू है, करीब 5,900 करोड़ का पैसा शुगर इंडस्ट्री, शुगर मिल्स को देना होता है सरकार को, लेकिन अभी 900 करोड़ ही मिल पाए हैं। और आप अगर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की देख लो, ठीक है, तो 3,000 करोड़ की अभी भी सब्सिडी पेंडिंग है। पावर प्रोड्यूसर्स की अगर सब पावर प्रोड्यूसर्स को पैसा देना होता है स्टेट गवर्नमेंट को, वो 1,25,000 करोड़ पेंडिंग है। तो शुगर इंडस्ट्री छोड़ दो, और जगह देख लो, सब जगह यही हालत है। तो कहीं ना कहीं, अच्छा GST का केस देख लो, GST में हमारा कंपनसेशन का इतना बड़ा इशू हो गया, स्टेट्स को दे नहीं पा रही थी सेंटर, वो तो बाद में थोड़ा सा कोलोब्रेशन करके कुछ काम हुआ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गवर्नमेंट फाइनेंस, देखो COVID-19 है, गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, मैनेजमेंट पे गवर्नमेंट को ब्लेम किया जा सकता है। तो पेमेंट ओवरड्यू ना, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि और सेक्टर है वो इसको
जो उस स्कीम के अंदर कवर नहीं हुए हैं वो ध्यान से देख रहे होंगे कि इनको पैसा मिलेगा, तो वो सोचेंगे कि हमको भी फिर पैसा मिलना चाहिए, वो भी कुछ करेंगे अच्छा खासा, वो भी अपना पोटेंशियल लगाएंगे, लेकिन इनको ही नहीं मिलेगा पैसा तो वो क्यों ऐसा करेंगे कि इंसेंटिव पता उनको आएगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अब देखो, सेंटर ने वैसे अनाउंस तो कर दिया था कुछ वीक पहले कि हम सारे फर्टिलाइजर सब्सिडाइजर को माफ़ कर देंगे और एक साथ चुका देंगे, लेकिन वो अच्छी चीज़ है तो ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हमको पैसा देना पड़ेगा, ओवर ड्यू यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। कोविड आया है, इकोनॉमिक डिसएलोकेशन होएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि ऐसा ना लगे कि केवल एक प्रॉमिस करके छोड़ दिया। ठीक है, तो ये चैलेंजेस भी है, ये मेंस के लिए भी आपका था, गवर्नमेंट को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, इंसेंटिव को प्रॉमिस किया उनको देना भी पड़ेगा। तो चैलेंजेस भी हो गए, सिग्निफिकेंस भी हो गया, मेंस के आंसर में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।